मुख्य सचिव व जन अभियोजन निराकरण विभाग के आदेशानुसार माह के तीसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की परिवेदनाएं सुनी। जन सुनवाई के पश्चात जिला जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक भी आयोजित हुई। जन सुनवाई में अवैध अतिक्रमण, पेयजल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बिजली कनेक्शन, साफ सफाई, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित परिवेदनाएं प्राप्त हुई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर समस्याओं का त्वरित निवारण किया। परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण से आमजन को बड़ी राहत मिली। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर अस्थायी रूप से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि माह के प्रथम व दूसरे गुरुवार को आयोजित जन सुनवाई संवेदनशीलता रखते हुए प्रभावी रूप से की जाए और शासन की मंशा अनुरूप परिवेदनाओं का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के प्रदेश महासभा सचिव मुकेश गोयल ने जिला अधिकारी को अवगत कराया कि विगत 40 वर्षों से समूचे शहर के नालों की सफाई नहीं हो रही है, जबकि हर वर्ष बरसात से पूर्व लाखों रुपए का नालों की सफाई का ठेका दिया जाता है, फिर भी सफाई नहीं होती है, क्योंकि सभी नालों पर अतिक्रमण होने से नालों को पट्टियां डालकर ढक रखा है, जिसके कारण नालों की सफाई तो होती नहीं। ठेकेदार बिना काम किए लाखों रुपए का भुगतान उठा लेते हैं। जन सुनवाई के दौरान गोयल ने नालों की सफाई की वीडियोग्राफी करने का कार्य पूरा होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किए जाने की मांग की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह, जिला परिषद के एसीओ गोपाल मीणा, उपखंड अधिकारी गौरव बुड़ानिया, नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।